यस फर्स्टली आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों ने बुलाया है द मीडिया पर्सन टेल अस समथिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड देन हम अपने सवाल जवाब चालू करेंगे ओके ओके तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में मैं जब गई थी 29th को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए कि 33% आरक्षण पास हुआ था तो उसके लिए और अपना खड़गे जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने के लिए गई थी और जैसे गेट पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मेरे पास मेरे ऊपर हमला कराया गया और मेरे पापा को भी मारा गया और जिसकी वजह से मेरे पापा मतलब लाइक अभी तक उस सदमे से इनफैक्ट मैं भी उस सदमे से नहीं निकल पाई हूँ। तो मैंने पहले भी मीडिया में बोला था कि मैं 2-3 दिन का वेट करूंगी तो मैंने वेट किया। मुझे लगा था शायद अब पार्टी की तरफ से कुछ आएगा या अब मुझे कोई एक रिप्लाई तो आएगा बट कुछ भी रिप्लाई नहीं आया गया। तो फिर अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मुझे इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये गलत है। ये मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, ये मतलब हर देश की बेटी के साथ हुआ है जो मतलब लाइक आगे बढ़ना चाहती है या आपकी अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है। तो उस चीज़ पे मैंने अपना लीगल मैंने कार्रवाई की है जिसकी वजह से मैंने अभी 1-2 दिन हुए हैं शायद हम लोगों को हमने ये भेजा है क्योंकि मुझे इस चीज़ पे अब मैं चुप नहीं बैठूंगी क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत सहूँगी भी नहीं। और जिसने ये किया है और मैं चाहती हूँ, मैं इनफैक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी चाहती हूँ और अपनी कांग्रेस पार्टी से भी चाहती हूँ कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए क्योंकि मुझे वो व्यक्ति पता है। आप लोग अपनी चीज़ों से पता लगाए और जिसकी वजह से मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए और द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी भेजा हुआ है और द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी भेजा गया है एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी भेजा है। ये सब लोगों को मैंने भेजा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इन लोगों ने ऑन रोड मेरे पे हमला कराया गया तो अगर मैं FIR करवाने के लिए जाती हूँ तो पता नहीं ये लोग मेरे पे क्या करा दें। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और दिल्ली गवर्नमेंट से और यहाँ तक कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि मैं सही से अपनी FIR दर्ज करा दूँ जिसकी वजह से उन लोगों को सज़ा मिले जिन्होंने मेरे साथ ये हमला करवाया है। इनफैक्ट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब चीज़ें कराने के बाद उल्टा ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है और वो भी जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि वो एक फेक लेटर है, वो झूठ लेटर है जिस पे जो साइन आ रहा श्याम किशोर शुक्ला जी वो ex MLA है और इसके अनुशासन समिति के सदस्य हैं। तो पहला रूल तो ये होता है कि कोई ex MLA यानी ex MLA किसी ex MLA कैंडिडेट को निष्कासित नहीं कर सकता, उसको हक नहीं होता है। मुझे अगर कोई निष्कासित करेगा वो करेगा प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, तो उनको कोई हक नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ उन लोगों ने क्या किया कि एक लेटर पे बैक डेट की मतलब बैक डेट की एंट्री डाल के मुझे निलंबित कर दिया गया है। तो ये भी उन लोगों ने पूरे देश में ये झूठा खेल जो लोग खेल रहे हैं उस चीज़ को भी मैं सामने लेके आऊँगी कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बैक डेट की, क्योंकि ना मुझे कोई रिसीविंग हुई है, ना मुझे मेल पे आया है, ना मुझे व्हाट्सएप पे आया, मुझे कुछ भी नहीं आया है। तो आगे का ये वकील है और यही सारा चीज़ें उनसे सवाल करेंगे। एसी बंद कर, एसी थोड़ा नहीं, एक्चुअली एसी नहीं है, वो मोटर का है। ऐसा नहीं है, अभी आ रहा है, अभी कम हो गया, रोलिंग है। अर्चना जी, क्या आपको प्रियंका गांधी जी की तरफ से या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आपको क्या कॉल आया? और एक हमको ये पता चला है कि आपको प्रियंका गांधी ने ब्लॉक किया है आपका नंबर, क्या ये बात? देखिए, मैं दीदी का मेरे पास पर्सनल नंबर था, मैं सच कहती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि वहाँ से मुझे ब्लॉक हुआ है, बट हाँ जो नंबर मुझे मतलब जो मेरे पास था दीदी का नंबर, वो उस नंबर से मैं ब्लॉक हुई हूँ। बट मुझे डैम श्योर है कि ये दीदी ने नहीं किया है, ये संदीप सिंह ने किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर आप संदीप सिंह चला रहे हैं। और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि दीदी प्लीज़ आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए,
बट वहाँ से मुझे ब्लॉक हो गया, तो इस चीज़ का मुझे हर्ट हुई हूँ मैं, ऑफ कोर्स हर्ट हुई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो संदीप सिंह ने ही किया है। ओके अर्चना, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जब पार्टी से निलंबित किया गया, जी, उसके पहले आपको एक शो कॉज नोटिस जो है दिया गया था, एक हफ्ते के अंदर आपको जाना था, आप नहीं गए। उसके अलावा आपको निलंबित करने का कारण बताया जा रहा है कि जब आप कैंपेनिंग कर रही थी इलेक्शन के दौरान, उस दौरान आपने कई सारे व्हीकल्स का पेमेंट क्लियर नहीं किया, ये बात सच है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक हफ्ता पहले नोटिस आता है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, ना मुझे मेल पे आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे आया, ना मुझे किसी भी चीज़ पे, नहीं, कोई भी नोटिस नहीं आया। और दूसरी चीज़ जो ये आप लेटर देख रहे हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बैक डेट का ही उन्होंने डाल के निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि मेरे को पार्टी से हटाने का सिर्फ जो जिम्मा जिसे कहते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष पे है, और उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष कोई और थे, उनके मतलब उनके तहत ये लेटर पास नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो था कि मैंने जब इलेक्शन में लड़ा था मैंने पैसे नहीं लिए थे, वो तो मैं अपनी लीगल टीम से बताऊंगी जब मेरी बैंक की पूरी स्टेटमेंट आएगी कि मेरे बैंक के पैसे किन किन लोगों ने खाए हैं। जो राजस्थान से कुछ लोग आए थे मेरे इलेक्शन में ही, उन लोगों को ही मैंने पैसे दे दिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये झूठ बोला था कि आप हमको पैसे दे दीजिए, हम आपका पूरा इलेक्शन मैनेज करते हैं, तो वो तो मेरी बैंक स्टेटमेंट ही तय करेगी कि मैंने किस किस को पैसे दिए। तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाना आप किसी लड़की पे छोड़िए। और तीसरी चीज़ जो गाड़ी की पेमेंट के बता बोल रहे कि गाड़ी का पेमेंट मैंने नहीं दिया है, आज भी गाड़ी की पूरी पेमेंट की रिसिप्ट मेरे पास है। और चुनाव में एक किताब लिखी जो कॉपी होती है जिसमें आपको सारे बिल्स भरने होते हैं, तो उसमें वो बिल भरे हुए हैं, तो मेरे पास सारे सबूत हैं, और उसके लिए मेरे जो वकील हैं वो ही उनको इसका जवाब देंगे। सोहेल जी, लीगल टर्म्स पे जो आपने अभी शिकायत की है पीएम नरेंद्र मोदी जी से लेकर के महाराष्ट्र के सीएम तक और पुलिस कमिश्नर को, तो क्या लीगल टर्म्स में आपने सेक्शन के तहत आप करने वाले वाले? देखिए, हमने तो सबसे पहले अर्चना की तरफ से एक पुलिस कंप्लेंट डाली है दिल्ली पुलिस को, यह जो अर्चना ने आपको अभी दिखाया है पुलिस कंप्लेंट, जिसमें जो इंसिडेंट हुआ था इनके साथ 29/9 का जो इंसिडेंट था, हमने पूरा नरेट किया है। हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेके जितने भी दिल्ली के अधिकारी हैं सबको हमने ये कंप्लेंट लिखी है, जो अर्चना की तरफ से लिखी है कंप्लेंट, क्या क्या हुआ है, क्योंकि उस दिन के बाद से अभी तक इनको कुछ इंसाफ नहीं मिला था, कुछ चीज़ें इनके साथ हुई नहीं थी, ये भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ था। तो उसके बाद जब ये हमारे पास आई और उन्होंने हमको बताया कि ये सब चीज़ें हुई है, तो हमने एज इट इज़ जो स्टोरी थी इनकी पूरी स्टोरी नरेट करके हमने यूनियन ऑफ इंडिया के जितने भी है, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेके सबको हमने ये एक कंप्लेंट लिखा है, और जो उन्होंने डिस्पैच किया है, क्योंकि ये इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था तो इसीलिए हमने ये पूरा दिल्ली पुलिस को लिखा हुआ है। इंसिडेंट के हिसाब से एक एक चीज़ जो हुई है इनके साथ, जो उन्होंने कहा है, हमने पूरा ये दिल्ली पुलिस को लिखा के एक एक चीज़ इनकी जो चीज़ है जो सच्चाई है जो इनके साथ हुआ है, और होने के बाद जो आरोपी है उन पर एक्शन नहीं हुआ है, हमने पूरा ये लिखा था। अब ये लिखने के बाद इसको हो गया है 2 दिन, ही हमने 9 अक्टूबर को लिखा है सबको, सब जितने भी जो अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ को लिखा है। उसके बाद बट एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल आता है कि अर्चना जो आज बॉम्बे में है, उनको यहाँ पे भी काफ़ी थ्रेट्स आ रहे हैं, चीज़ें इनको हो रही हैं कि कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, जो भी इनको आ रहे हैं, ये यहाँ से दिल्ली तक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाएंगी कैसे, वन, एंड सेकेंड थिंग है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद FIR कैसे कराएंगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का जाने का इनको लगता है कि इनको थ्रेट टू लाइफ है। तो इसलिए हमने ये आज एक कंप्लेंट आप देखेंगे, आज हमने जो प्रॉपर लीगल हमारे पूरे गवर्नमेंट को महाराष्ट्र के CM से लेके ऑनरेबल PM तक लिखा है, और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी हमने ये लिखा है कंप्लेंट कि हमारी जो क्लाइंट है अर्चना, उनको ट्रैवल करना है दिल्ली, तो आप प्लीज़ हमें पुलिस प्रोटेक्शन दें, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट प्रोटेक्शन। हमने इनका ट्रांजिट प्रोटेक्शन मांगा है कि ये यहाँ से जब तक दिल्ली लैंड नहीं होते हैं, और दिल्ली लैंड होने के बाद जब तक इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, इनको पूरी पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम कंप्लेंट नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जो इन्होंने सब स्टेटमेंट में दिया है। तो ये चीज़ के लिए इनको हमने फुल प्रोटेक्शन मांगा है, जिनके लिए आज ये यहाँ पे भी बैठी हैं, क्योंकि हमने ये सबसे, आप देखेंगे, सबसे हमने प्रोटेक्शन मांगा है कि आप इनको प्रोटेक्शन दिए, और एक एज पर लॉ के लिए जो कार्रवाई होना चाहिए एज पर लॉ, ये जाए वहाँ पे दिल्ली में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, और रिकॉर्ड करने के बाद जो पुलिस जैसे एज पर लॉ अपनी जो कार्रवाई करे वो करे। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी प्रोटेक्शन, जो हमने आज मांगी है। ओके,
और आपने मुंबई पुलिस से क्या अपने दरखास्त की है? हमने मुंबई पुलिस से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको पावर है और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को भी हमने लिखा है इसके अंदर कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने एक कंप्लेंट किया है दिल्ली पुलिस के आगे, दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट किया है अगेंस्ट जो इंसिडेंट हुआ है, तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए यहाँ से लेके दिल्ली जाने के, ये स्पेशल हमारा है। अर्चना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलता है, आप एक महिला होने के नाते, एक सेलिब्रिटी होने के नाते आप जाती हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने, एकाएक महिलाओं में ऐसा क्या गुस्सा बढ़ गया कि वो आप पर ऐसे टूट पड़ी है? और किस प्रकार आपके पिताजी तक को जो है वहाँ पर मैं देख रही थी, काफ़ी खराब विजुअल था, आपको ड्रैग किया जा रहा है, आप वहाँ से भाग रही हैं, जो भी है, क्या हुआ था एकाएक, ऐसा क्या बोल दिया आपने या फिर क्या हो गया कि वो सभी ऐसे बढ़ गए? वो चीज़ें आपको CCTV फुटेज में दिखेंगी, जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर 4 CCTV फुटेज लगे हुए हैं और जब मैं FIR करूंगी तो ऑफकोर्स पुलिस CCTV फुटेज मांगेगी। तो जितने भी लोग ये जो लोग मुझ पे जो लांछन लगा रहे हैं कि मैंने बहुत ही गलत तरीके से बर्ताव किया, तो उन लोगों को सामने पूरा असलियत दिख जाएगा और पूरी दुनिया के सामने सच का पता चल जाएगा कि मैं जस्ट, मेरे ड्राइवर के हाथों में बुके था, फ्लावर पोट था और मैं जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस करने गई थी। और ऐसा नहीं है, मैंने उनके PA को, यानी जो संदीप सिंह है उनका भी कोई PA है जो कि अभी बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनको भी मैंने एक रात पहले यानी 28 तारीख को 10 बजे उनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन बोला था कि मैं 12 बजे कॉन्ग्रेचुलेशंस करने जा रही हूँ। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, उसका भी सारे सबूत मेरे पास है। तो जब FIR होगी तब पता चल जाएगा। उनका नाम भी धीरज गुजर है, तो धीरज गुजर को जाने से पहले ही मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो उन्होंने संदीप सिंह को बोला और संदीप सिंह ने ये एक दिन पहले ही पूरा प्लान बनाया गया। और आपको इतना भी बता दूं, मेरे पास सारी फोटोज़ हैं, जो बसेस आई थी वो लखनऊ से और बरेली से आई हुई थी, उसमें महिलाएँ भर भर के आई हुई थी, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीज़ें कहते हैं कि क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल पे चला जाता, तो इन लोगों ने यूपी से यानी लखनऊ से गाड़ियाँ भर भर के औरतें बुलवाई थी मेरे पे हमला करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी जब FIR होगी और पुलिस जब अपनी कार्रवाई करेगी तब आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने मुझे मारने का प्लान किया हुआ था और उनका ये प्लान फेल हो गया। अच्छा,